हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो अभी हो रही है शाम और आज है मेरी छुट्टी, क्योंकि आज सैटरडे है। तो सैटरडे की आजकल छुट्टी रहती है, मतलब आपसे छुट्टी है, क्योंकि कोविड के गाइडलाइंस में ऐसा लिखा है कि सैटरडे या संडे दोनों की छुट्टी है। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा हुआ कि पिछले 2-4 दिनों में अपलोडिंग स्पीड अच्छी नहीं आ पाई, जिसके कारण मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो चलो आज देखता हूं, मैं आज ब्लॉक फील्ड भी जाऊंगा, तो आपको ब्लॉक फील्ड के दर्शन भी होते जाएंगे। और टीटू की बात रही तो टीटू जा रखा है कराची के साथ घूमने गैस एजेंसी तक। और एक बार थलीसन का मौसम देखो गाइस, तो कुछ अलग ही मौसम है थलीसन का, ये देखो कि पिछले 2-4 दिन में बहुत बारिश आ रही है, आपको पता ही है। तो हमारे स्कूल का जहाँ से हम मतलब गुजरते हैं, तो वाला रास्ता मतलब 2 मीटर रास्ता कम से कम नीचे ढह गया, मतलब क्या बोलेंगे उसे यार, ढांस गया, मतलब लैंडस्लाइड हुई थी बेसिकली। तो बहुत सारा मतलब पत्थर वगैरह सब नीचे गिर गए थे, तो हम जा नहीं पाए, तो इसलिए हमने लंबा चौड़ा रास्ता उधर से जाना पड़ा, हमें वापस आना पड़ा, क्योंकि छुट्टी होती है उस टाइम। और आपको पता है आज सुबह बादल भी फटा था ना, बादल फटा गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आज सुबह मतलब 5 से 6 बजे की बात है, और मैंने भूकंप भी आया था, तो मैंने फील तो नहीं करा था, माँ जी ने फील करा था हमारे यहाँ, बस क्योंकि प्राची और मैं सो रखे थे। ज़्यादा खतरनाक तो आया नहीं, मतलब ज़्यादा तेज नहीं आया, जिसके कारण कुछ भूस्खलन वगैरह कुछ ऐसा नहीं हुआ मतलब ही जो हिलना डुलना वाला होता है ना सिस्टम। चलो अब चलते हैं, एक बार ब्लॉक फील्ड एक चक्कर घूम के आते हैं। दादी वरना कब जाना थी तुम? कब जाना थी घुमाना? खन जाना थी क्यों के लिए नहीं जाना थी घूमने? चला जावा। तो जब से रोड में टाइल्स लगे तो रोड की हाइट थोड़ी बढ़ गई, मेरे जाने तक बारिश आ जाएगी, कोई नहीं तब भी चल रहे तो मजा आ जाएगी। आज मैं ज़्यादा दूर तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि तब तो मुझे लग रहा है ज़्यादा बारिश आ जाएगी, इसलिए आधे ही जाऊँगा, पूरा कैन्यूर बैंड नहीं जाऊँगा उसके बाद। और टीटू आज थोड़ा वैसा सुस्त लग रहा था, तो मुझे लग रहा है उसको खाना वाला पच हो गई है, तो उसके लिए इसका समाधान करने के लिए प्राची से घूमने लग गई है गैस एजेंसी तक। ये लास्ट वहाँ बैच है जिसका बोर्ड हो रहा था एग्ज़ाम, क्योंकि अगले साल से बोल रहे कि सेमेस्टर वाइज हो जाएगा, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही थी उसमें ऐसा लिख रखा है। अब जाके मतलब राहत मिली है बारिश से, ही नहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश आने लगी गाइस, हल्की हल्की, पर आकाश देर तक ना ठीक है, थोड़ी देर तक ही आए। बहुत दिन परेशान हो गए थे बारिश से, बारिश ही बारिश, स्कूल भी जाओ कैसे जाओ छाते लगकर। अब पता क्या हो रहा था कि सुबह मतलब बारिश आ रही थी, और सुबह से और दिन तक कम से कम 3 बजे तक आ रही थी बारिश, उसके बाद खुद ना खुद बंद, जब तक हम खेलने के लिए जा रहे थे सीधा बंद हो जा रही। मेरे एक सब्सक्राइबर मिल गए थे बीच में, तो वो कहीं जा रहे थे गाड़ी से, तो बहुत अच्छा नहीं लगता जब कोई सब्सक्राइबर मिले, मतलब हमारी जो कम्युनिटी है, इस फैमिली की, फैमिली कम्युनिटी कुछ भी बोलो आप, तो इस फैमिली का एक मेंबर आके उन्होंने सेल्फी ले लो भैया, तो उन्होंने सेल्फी ली थी एक, तो मैंने सोचा कि पहली कोई मतलब पहला सब्सक्राइबर मेरे साथ सेल्फी ले रहा, तो मैं भी एक सेल्फी ले ही लूँ उनके साथ। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से वापस मुड़ लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है बारिश तो आ ही जाएगी अब, क्योंकि मौसम तो हो गया वैसा बारिश वाला खतरनाक वाला। मैं ट्यूशन गए, तो ट्यूशन के आने बाद हम सब मतलब हमारी गैंग थी जो दोस्तों की, तो हम सब चितपणी तक घूमने गए, बटन धार से थोड़ा पीछे, मैंने आपको दिखा दिया था ब्लॉग में, देखा नहीं होगा ब्लॉग तो देख लेना प्लीज़। तो उसमें बहुत मज़ा आई हमें दोस्तों को, कोई किसी का बैग खींच रहा, कोई कुछ जियो इट्स ऑल वेज योर इफ आई एम नेवर गोना फॉल इन लव जियो इट्स ऑल इट्स योर Another day, another paper, but never he feels no so. Please don't break my heart, don't break me again. Time must never forget, let's see, nobody know me like that. दिन वापस से छोटे होने लगे गाइस, अब ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि दिन बहुत छोटे हो जा रहे हैं, और स्कूल जा रहे हैं सुबह 7:30 बजे और आ रहे हैं 12:30 बजे तक, क्या दो तीन घंटा थोड़ा आराम भी करना है और खाना पीना वगैरह सब कुछ। तो शाम को तब 4 बजे से ट्यूशन है, तब 6 बजे तक ट्यूशन ही है, और उसके बाद तब थोड़ा खेलना भी है, खेलने का आना है, तो पढ़ना है थोड़ा, उसके बाद फिर से सो जाना है, खाना है, तो इसी में चला जाता है पूरा दिन। लेकिन इसी दिन में अब मैं व्लॉगिंग को भी जोड़ूंगा, ठीक है, तो चिंता मत करना गाइस, फुल व्लॉग मिलेगा आपको। शैलेंद्र भैया बोल रहे थे कि फुल व्लॉग, तो मैंने सोचा कि अब बना ही लूँगा, क्योंकि आपकी भी इतनी डिमांड है, तो अब से मैं रेगुलर बनाऊँगा, मुझे एक मोटिवेशन मिल रहा है गाइस। गाड़ी आ रही है, इसके कारण मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, उसका साइलेंसर की इतनी खतरनाक आवाज़ आ रही है, तो मुझे भी उधर भी जाना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, इधर भी जाना है, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि भैया चल दिए घूमने। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ब्लॉक फील्ड, और
अब देखता हूँ बाकी की व्लॉगिंग इसी साइड करूंगा। तो गाइस हो चुकी है रात, तो मैं आ गया हूँ घर पे यार। अभी मैंने पढ़ाई भी करनी है, देखो फिजिक्स पढ़ना मैंने। Hey guys, आप मुझे कई दिनों के बाद देख रहे होंगे, तो मैं आज वीडियो बनाना पसंद नहीं रही, मेहनत करना पसंद नहीं। क्यों नहीं है? देखिए गाइस, मैं टैब को चार्ज देखो जानवर की किताब ही नहीं लाई, टैब चलाने के बहाने मार्जिन ज्यादा मुंह मत चला। सो गाइस, हमारी पूजा भी हो चुकी है, वो देखिए वहाँ हमारे लड्डू गोपाल भी बैठे हैं झूले पे। लड्डू गोपाल कहाँ पे बैठे? अच्छा, ये लड्डू गोपाल। तो गाइस अब टाइम हो रहा है 7:30, तो अब मैं कर रहा हूँ पढ़ाई। देखो तो आज मैं पढ़ रहा हूँ फिजिक्स। फिजिक्स में जो चैप्टर है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज मैंने मूवी देखी थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, भूत पुलिस, तो बहुत कॉमेडी मूवी भी थी और अच्छी मूवी भी थी। तो चलो पढ़ने से पहले मैं आपको एक झलक माजी की भी दिखा देता हूँ, बहुत दिन से आपने देखा नहीं होगा मेरी माजी को। तो माजी अभी आई थिंक खाना बना रही है। गाइस मैं बाल लगा रही हूं। कितने बाल लगा रही है? बाल जोड़ रही है कि नहीं बाल? माजी तो गाइस माजी आ रही बहुत दिन के बाद, इसको इसमें रखेंगे साइड हो जाए। तो शुरू करके माजी ने बनाना। तो माजी बहुत रसीली सब्जी बनाती है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। गाइस अब टाइम है खाने का, तो माजी ने बना दी लजीज। गाइस देख सकते हो आप लौकी की सब्जी, रोटी और दूध, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं महाभारत। तो आजकल हमने महाभारत देखना शुरू करा, तो हमने मतलब 5-6 सीजन देख दिए होंगे। कल तो मैं खाना खा के इतनी नींद, अच्छी नींद आई, कल तो मैं 8 बजे के बाद ही उठूंगा। तो मैं तो जल्दी उठ जाऊंगी क्योंकि लड्डू गोपाल को भी तो उठाना है, उन्हें इतनी देर में उठाना है क्या?